हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि लाइट डार्क रिएक्शन में आपका फोटोसिंथेसिस कम्प्लीटली डिवाइड है और उन दोनों प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिसमें अपन ने अपरेटस, पिगमेंट्स, लाइट, वाटर, CO2 इनके बारे में चर्चा की। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइट रिएक्शन। ठीक है ना, ब्लैकमैन ने आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जिसमें लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना लेमिली और स्ट्रोमा लेमिली जो है उसके अंदर लाइट रिएक्शन के पर्टिकुलर वी कैन से द डिवाइस उपस्थित है जिसको अपन फोटो सिस्टम कहते हैं, और जो स्ट्रोमा लिक्विड है उसके अंदर कौन सी होगी, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के लिए अभी मैंने क्या बताया आपको कि देर आर इज प्रेजेंस ऑफ द फोटो सिस्टम। किसकी उपस्थिति है? फोटो सिस्टम की। ठीक है, और ये जो फोटो सिस्टम है ये कहां पे उपस्थित है? ग्रेना लेमिली और स्ट्रोमा लेमिली पर। ठीक है, अब ये फोटो सिस्टम ग्रेना लेमिली और स्ट्रोमा लेमिली पे जो उपस्थित है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? लाइट रिएक्शन के लिए। ये फोटो सिस्टम दो प्रकार के हैं, एक है फोटो सिस्टम फर्स्ट और ये है फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है ना, ये दो प्रकार के हैं फोटो सिस्टम जो लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, केवल एक प्रकार के ना होकर के दो प्रकार के करते हैं। ये जो चीज थी इसको क्लियर किया किसने? इमर्सन ने। इमर्सन और अर्नोल्ड जो थे, याद हो तो आपको, इमर्सन के बारे में मैंने दो इफेक्ट पढ़ाए थे आपको, एक तो रेड ड्रॉप इफेक्ट था और एक था इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। और इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट में उसने क्या बताया था कि जब किसी प्लांट को या फोटोसिंथेटिक यूनिट को 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से ऊपर की लाइट और 680 नैनोमीटर से नीचे की वेवलेंथ की लाइट अल्टरनेट ऑर्डर में देते हैं तो उसकी क्वांटम यील्ड या फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है ना, जबकि रेड ड्रॉप इफेक्ट जो उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि कंटिन्यूअसली हाई इंटेंसिटी या वेवलेंथ की लाइट अगर दी जाए, 680 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ की लाइट दी जाए तो, यानी कि रेड लाइट लगातार दी जाए प्लांट को, तो फोटोसिंथेटिक रेट में क्या आती है? कमी आती है। तो इससे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, ये जो ऑब्जर्वेशन था उससे क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर अपन प्लांट को 680 नैनोमीटर से ऊपर और 680 नैनोमीटर से नीचे की वेवलेंथ दे रहे हैं तो उसकी क्वांटम यील्ड बढ़ रही है। इसका मतलब दो सिस्टम फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और वो दोनों, एक ऐसा है जो 680 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ पे एक्टिवेट होता है और एक वो होता है जो 680 नैनोमीटर से नीचे की वेवलेंथ पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, उन सिस्टम्स को अपन क्या नाम दे रहे हैं? फोटो सिस्टम। तो दो फोटो सिस्टम है, एक 680 नैनोमीटर से नीचे की वेवलेंथ पे एक्टिवेट हो रहा है और एक 680 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ पे एक्टिवेट हो रहा है। अगर हम किसी प्लांट को केवल और केवल 680 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ की लाइट दे रहे हैं तो केवल एक एक्टिवेट हुआ तो वो अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर क्या नहीं कर पा रहा है? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। इसलिए फुल प्रोडक्ट न बनकर के लेस प्रोडक्ट बनेगा, कम मात्रा में बनेगा, उसको क्या कह दिया उन्होंने? रेड ड्रॉप। और जब प्लांट को दोनों प्रकार की लाइट अल्टरनेटिव ऑर्डर में 680 नैनोमीटर से ऊपर और नीचे के अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रोवाइड कर रहे हैं तो दोनों सिस्टम एक्टिवेट होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसलिए उसको उन्होंने क्या कह दिया? इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। और इसका कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए, लाइट रिएक्शन के लिए कितने फोटो सिस्टम वर्क कर रहे हैं? 2-1 इज वर्किंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लेस देन 680 नैनोमीटर एंड द सेकेंड इज वर्किंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ मोर देन 680 नैनोमीटर। ठीक है, जो फोटो सिस्टम मोर देन 680 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ पे काम कर रहा है उसकी खोज पहले हुई, उसको नाम दे दिया गया PS फर्स्ट, और जिसकी बाद में खोज हुई ये वैसे ऑर्डर है डिस्कवरी का। दूसरा जो फोटो सिस्टम मिला जो 680 नैनोमीटर से नीचे की वेवलेंथ पे काम करता है उसको क्या नाम दे दिया गया? PS सेकेंड। अब ये फोटो सिस्टम की जो कंपोजिशन है वो क्या है, देखिए कैसे है ये। तो देखिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड को अगर अपन देखें तो देखिए बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट याद हो तो आपको, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है? थैलेकोइड यानी कि ग्रेना लेमिली। ठीक है,
और इनके बीच में क्या है, स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट चैनल जिनको अपन ने कहा था। ठीक है, अब देखिए ये फोटोसिस्टम जो है वो यहां पे उपस्थित है, ठीक है, इनकी उपस्थिति अगर अपन देखें तो ये लेमिलीज के ऊपर यहां पे इनकी उपस्थिति है। ठीक है, ये जो हैं जो अप्रेस्ड हैं, अप्रेस्ड सरफेस के ऊपर हैं, ऑन अप्रेस्ड सरफेस, और वी कैन से इनर मेम्ब्रेन पर हैं, जो यहां पे भी होंगे। ये कौन से हैं बेटा, पीएस फर्स्ट, अभी अपन बताएंगे बने किसके हैं टोटली। ठीक है, और ये सॉरी पीएस सेकंड, जो केवल और केवल ग्रेना लेमिली में मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे। और ये जो ग्रेना लेमिली और स्ट्रोमा लेमिली दोनों में मिलेंगे, जो कहां पे नॉन अप्रेस्ड सरफेस के ऊपर, यानी कि आउटर सरफेस पे, वो कौन से बेटा, पीएस सेकंड। इज दिस क्लियर, यानी कि आउटर सरफेस के ऊपर या नॉन अप्रेस्ड सरफेस पे वो कौन से हैं, पीएस फर्स्ट, और अप्रेस्ड सरफेस पे या इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हैं वो कौन से हैं, पीएस सेकंड। पीएस फर्स्ट की ग्रेना लेमिली और स्ट्रोमा लेमिली दोनों में उपस्थिति है, पीएस सेकंड की केवल और केवल कहां पे उपस्थिति है, ग्रेना लेमिली के अंदर, स्ट्रोमा लेमिली के अंदर नहीं है। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये पीएस फर्स्ट या पीएस सेकंड, यानी कि फोटोसिस्टम बना हुआ किसका है, ये अपन बात करते हैं। तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड यानी कि दोनों ही फोटोसिस्टम का अगर कंपोजिशन अपन देखें, तो देखिए सेम है दोनों का, लेकिन डिफरेंसेस क्या है इनमें वो देखते हैं अपन। पीएस फर्स्ट जो है उसका अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर अपन देखें तो उसमें क्या होगा बेटा, रिएक्शन सेंटर के रूप में P700 ऑलवेज क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में कहते हैं उसको LHC। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो किसका बना होता है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, क्वांटासोम, जिसके बारे में अपन ने पहले बात की थी, क्वांटा प्लस सोमा, यानी कि एक पिगमेंट्स का ऐसा ग्रुप जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। और क्वांटासोम जो है उसके अंदर दो पार्ट हो गए, कौन कौन से, एक तो रिएक्शन सेंटर जो ऑलवेज क्या होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और दूसरा जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सॉरी पिगमेंट्स, या उन्हीं को अपन बोल देते हैं, ये तो हो गया रिएक्शन सेंटर, और ये जो पार्ट है इसको लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स या एंटीना मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, ये जो एंटीना मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर सदैव क्या होगा, क्लोरोफिल ए। ठीक है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो रिएक्शन सेंटर होगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इट कैन अब्सॉर्ब द लाइट हैविंग द वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर, यानी कि 700 नैनोमीटर के ऊपर ये मैक्सिमम पीक देता है, यानी कि मैक्सिमम उस क्या करता है, उसको अब्सॉर्ब करता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, P700। किसके, रिएक्शन सेंटर का, फोटोसिस्टम फर्स्ट के। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर वो क्या है, पीएस फर्स्ट का जो क्वांटासोम है उसके अंदर कौन है, एंटीना मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, इनमें आपको क्या मिलेंगे बेटा, क्लोरोफिल ए, कौन कौन से, 670, 680, 695 एंड
700, ठीक है, प्लस क्लोरोफिल बी लगभग बेटा 200 से 400 मोलिक्यूल, प्लस एंटीना मोलिक्यूल में और क्या होगा, कैरोटीनॉइड्स लगभग 50। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का जो रेशियो होगा यहां पे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स टोटल और कैरोटीनॉइड्स का, वो होगा बेटा 20:1, ठीक है। तो इतने ये पिगमेंट प्लस रिएक्शन सेंटर, ये तो क्या बना रहे हैं बेटा, एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लोरोफिल ए के बाकी के मॉलिक्यूल्स प्लस क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड्स, ये क्या बना रहे हैं, एंटीना मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं ये। प्लस कौन हो गया रिएक्शन सेंटर, क्या कहलाए, क्वांटासोम। क्वांटासोम के साथ अब क्या जुड़ गया बेटा, प्रोटीन्स, ठीक है। वो प्रोटीन्स कौन से, पीएस फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो उसमें आपको फेरस रिडक्टिव सिस्टम मिलेगा जिसमें दो Fe प्लस होंगे, 2 Fe प्लस से बना होगा, प्लस फेरोडॉक्सिन, प्लस प्लास्टोसाइनिन, और साइटोक्रोम मेंबर के रूप में साइटोक्रोम बी 559 एंड साइटोक्रोम F, ये आपको मिलेंगे किसके अंदर, पीएस फर्स्ट में। प्रोटीन्स के रूप में कौन है, फेरोडॉक्सिन जो है वो यहां पे उपस्थित है, बाकी साइटोक्रोम मेंबर्स हैं, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन भी प्रोटीनेशियस है, ये आपको क्या मिलेंगे, प्रोटीन यूनिट के रूप में या साइटोक्रोम यूनिट्स के रूप में। साइटोक्रोम प्लस क्वांटासोम क्या बन गया, फोटोसिस्टम, या इस तरीके से देखें तो रिएक्शन सेंटर प्लस लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन्स। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स और प्रोटीन्स दोनों को मिलाकर के अपन क्या कह रहे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इज दिस क्लियर। और अगर मैं ऊपर से इसको कंबाइन करूं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन समझना बेटा, रिएक्शन सेंटर प्लस लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स यानी कि एंटीना मॉलिक्यूल दोनों को आपस में जोड़ दें तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, क्वांटासोम। इज दिस क्लियर। अब देखिए ये कौन सा हो गया, पीएस फर्स्ट का कंपोजिशन हो गया। इसकी लोकेशन मैंने क्या बताई, ये कहां उपस्थित है, ग्रेना लेमिली और स्ट्रोमा लेमिली दोनों में उपस्थित है, पहली बात, ठीक है। और इन लेमिली की मेम्ब्रेन की कौन सी सरफेस के ऊपर उपस्थित है, ये आउटर सरफेस के ऊपर या नॉन अप्रेस्ड सरफेस के ऊपर उपस्थित है। नॉन अप्रेस्ड का मतलब जो आपस में संपर्क में नहीं है, उस सतह के ऊपर। और जहां पे आपस में सतह संपर्क में है वहां पे कौन उपस्थित है, आपस में दबाव बना रखा जिन सतहों ने, वहां पे कौन उपस्थित है, पीएस सेकंड। और ये कहां पे है, नॉन अप्रेस्ड पे। अब बात करते हैं अपन किसकी, पीएस सेकंड की। पीएस सेकंड का भी कंपोजिशन यही होगा क्या, पीएस सेकंड के अंदर भी वही बेटा, दो पार्ट कौन कौन से, रिएक्शन सेंटर, दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो क्या कहलाएगा, सेकंड। इसके रिएक्शन सेंटर की क्या विशेषता होगी, ऑलवेज रिएक्शन सेंटर कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए, लेकिन ये कौन सा होगा, P680। दैट्स मीन पीएस सेकंड के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होगा उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी लाइट को अब्जॉर्ब करने की होगी, वो कहां तक होगी, किस वेवलेंथ तक होगी, 680 नैनोमीटर पर, यानी कि मैक्सिमम पीक वो देता है अब्जॉर्प्शन की, वो कौन से लाइट के ऊपर देता है, 680 नैनोमीटर के ऊपर। इज इस क्लियर। तो वो रिएक्शन सेंटर क्या कहलाएगा, 680, जबकि पीएस फर्स्ट में क्या थी, मैक्सिमम पीक जो आ रही थी वो किस पे आ रही थी, किस वेवलेंथ पे आ रही थी, P700, यानी कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे। ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पीक कहां पे देता है, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन सेंटर जिस फोटोसिस्टम में होगा वो फोटोसिस्टम कौन सा होगा, सेकंड। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर वही दो पार्ट, कौन कौन सा, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है बेटा। इन दोनों को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं, फिर से मैं वही कह रहा हूं, क्वांटासोम। इन दोनों को मिलाकर के क्या कह सकते हैं, क्वांटासोम, ठीक है ना। और वैसे इन तीनों को मिलाकर के क्या कह रहे हैं अपन, फोटोसिस्टम। प्रोटीन्स के अंदर इसमें क्या मिलेगा आपको, फियोफाइटिन, ठीक है। इसके अलावा और मेंबर्स कौन है, प्लास्टोक्विनोन। साइटोक्रोम मेंबर्स में साइटोक्रोम बी 661, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसाइनिन, ठीक है ना। ये दोनों किस में थे, पीएस फर्स्ट में भी थे और पीएस सेकंड में भी है। इज इस क्लियर। वहां पे साइटोक्रोम बी क्या था, 559, और यहां पे क्या है, 561। ये किसका हो गया, फोटोसिस्टम सेकंड का। इसकी लोकेशन क्या है बेटा, ये केवल और केवल, ध्यान से सुनना, कहां मिलेगा आपको,
ग्रेना लेमिली में, स्टोमा लेमिली के अंदर ये नहीं पाया जाता है। और ग्रेना लेमिली के अंदर भी इसकी जो पोजीशन बताई थी आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले, वो कहां होगी, जो अप्रेस्ड आपस में टच कर रही हैं इनर सरफेस, वहां पे उपस्थित हो गए। इज दिस क्लियर? जबकि वो यहां पे आउटर सरफेस पे था। क्लियर है क्या? चले आगे। अब देखिए, दो फोटो सिस्टम हो गए अपने पास, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। ये दोनों फोटो सिस्टम मिलकर के कौन सी रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे? लाइट रिएक्शन को। कैसे? देखिए, लाइट रिएक्शन विल कंप्लीट इन द फोर स्टेप्स। पहला जो स्टेप होगा लाइट रिएक्शन का, वो होगा बेटा एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन का। कैसे हो रहा देखिए, सिंपली समझना, ये लीफ है, लीफ के अंदर ये लीफ मेसोफिल सेल है, लीफ मेसोफिल सेल के अंदर ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कौन है बेटा? ग्रेना, ये स्ट्रोमा लेमिली। याद होगा आपको, स्ट्रक्चर पढ़ी थी। और ग्रेना और स्ट्रोमा लेमिली की सरफेस के ऊपर क्या उपस्थित हैं? अभी जिनके अपन ने बात की, फोटो सिस्टम। और वो फोटो सिस्टम्स जो है वो मेनली किसके बने हुए हैं? पिगमेंट्स के। ये लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट सनलाइट, और वो पिगमेंट्स के अंदर जो पिगमेंट है वो कौन है? याद कीजिए, अभी बताया था क्वांटासोम के रूप में वो पिगमेंट यहां पर उपस्थित है, तो उसमें क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर के रूप में है। बाकी के जो पिगमेंट हैं क्लोरोफिल ए के अन्य रूप, क्लोरोफिल बी कैरेटिनॉइड्स, वो किसके रूप में है? एंटीना मॉलिक्यूल्स के रूप में। यानी कि मैं यू दिखा दूं इसको, यहां पे ये लो, ये स्ट्रक्चर यहां पे ये है। ठीक है, चाहे वो फोटो सिस्टम फर्स्ट हो या फोटो सिस्टम सेकेंड, अंतर क्या है वो अपन बात कर चुके हैं। रिएक्शन सेंटर दोनों का अलग अलग है, एक का P700 है फर्स्ट का और दूसरे का P680 है। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉम्बिनेशन में डिफरेंस है। पीएस फर्स्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें क्लोरोफिल बी जो है वो 200 से 400 हैं, लेकिन अगर ये कौन सा है पिगमेंट सिस्टम सेकंड है तो उसमें करीबन 150 से 200 हैं। पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम फर्स्ट है तो उसके अंदर कैरेटिनॉइड्स की संख्या लगभग 50 से 70 होगी। अगर वो कौन सा है पीएस सेकंड है तो उसमें कैरेटिनॉइड्स की संख्या, मोस्टली उसमें भी जेंथोफिल होंगे, उनकी संख्या 30 के करीब होगी। ठीक है ना, यानी कि क्लोरोफिल और कैरेटिनॉइड्स का जो रेशियो फोटोसिस्टम फर्स्ट में है वो 12:20:1 है, फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर क्लोरोफिल्स का और कैरेटिनॉइड्स का जो रेशियो है वो 5:1 है। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट दोनों के सेम है। सेम होने का मतलब क्या है? वही क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरेटिनॉइड्स, उनसे बने हुए हैं। बस डिफरेंसेस जो है वो क्या है? रिएक्शन सेंटर के आधार पर और नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और कैरेटिनॉइड मॉलिक्यूल्स के आधार पर। इज दिस क्लियर? प्लस प्रोटीन मेंबर्स जो हैं उनके आधार पे। ठीक है, अब देखिए, ये लाइट यहां पहुंच रही है, लाइट पहुंचने के बाद ये लाइट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को, कौन? ये एंटीना मॉलिक्यूल्स। और ये रेजोनेंस ट्रांसफर के द्वारा ऑर्थोपेरामेटा, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये रेजोनेंस ट्रांसफर के द्वारा अपनी एनर्जी किधर लेकर के जा रहे हैं? रिएक्शन सेंटर की ओर। तो एनर्जी का ट्रांसफर एक तो किसके द्वारा हो रहा है? रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, यहां पे जब ये पहुंचेंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास तो डायरेक्ट उसको एनर्जी नहीं देंगे, यहां पे होगा इंडक्शन, यानी कि इंडक्टिव रेजोनेंस। इंडक्टिव रेजोनेंस के द्वारा ये क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी को ट्रांसफर एंटीना मॉलिक्यूल्स किसको कर देंगे? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, यानी कि रिएक्शन सेंटर को। आपस में इन्होंने किससे किया है? सिंपल रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। और यहां एंटीना मॉलिक्यूल से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को किससे होगा? इंडक्टिव रेजोनेंस। इंडक्शन का मतलब जानते हो ना, कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या प्रोवाइडर है और जो ऑब्जेक्ट ले रहा है वो दोनों डायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे। जैसे तवे पे अपन रोटी बनाते हैं तो ये एनर्जी यहां पर, ये तवा और ये रोटी, तो डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर न होकर के ये पहले क्या हो रहा है? एनर्जाइज हो रहा है। और ये क्या कर रहा है? इंडक्टिव लेयर जो है वो क्या कर रही है? एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, अब ये देखिए,
जो ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, तो मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल, किसका बना हुआ है, एटम का, एटम का बना हुआ, तो वो कौन सी अवस्था में आएगा बेटा, एक्साइटेड अवस्था में, और एक्साइटेड अवस्था में आएगा ये क्लोरोफिल ए या रिएक्शन सेंटर, तो एक्साइटेड अवस्था में आकर के एटम क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन, यही मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्या रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के द्वारा और इंडक्टिव रेजोनेंस के द्वारा जो सन एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी है, वो किसके पास पहुंची है, वेयर, फोटोसिस्टम फर्स्ट हो या सेकंड, उसके रिएक्शन सेंटर के पास, और रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचने पर वो रिएक्शन सेंटर जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए जो एटम का बना है, वो कौन सी अवस्था में आ रहा है, एक्साइटेड अवस्था में, और क्या रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इज क्लियर, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये बिगनिंग हो गई है किसकी, लाइट रिएक्शन की, दैट्स मीन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है उसको रेजोनेंस ट्रांसफर के द्वारा या इंडक्टिव ट्रांसफर के द्वारा, इंडक्टिव रेजोनेंस के द्वारा क्या मिली, लाइट एनर्जी जो है वो इसको ट्रांसफर हुई है, और उसके ट्रांसफर होने से ये कौन सी अवस्था में आया, दैट इज द एक्साइटेड सिचुएशन, एंड इस सिचुएशन में इसने किसको रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन को, इज दिस क्लियर, एंड दिस इज द बिगिनिंग और द वी कैन से द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लाइट रिएक्शन, जिसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट हो या फोटोसिस्टम सेकंड हो, उनके रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ फर्स्ट P700, इन केस ऑफ सेकंड P680, वो एक्साइटेड अवस्था में आए और उन्होंने क्या रिलीज किया है, इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। सेकंड स्टेप जो है वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लाइट रिएक्शन के अंदर दूसरी जो घटना होती है वो क्या है बेटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फोटोलाइज्ड होगा, ये वाटर, ये लाइट एनर्जी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एंड क्लोरीन क्या होगा, फोटोलाइज्ड होगा, फोटोलाइसिस होने पर क्या पैदा होगा, देखिए प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के साथ दूसरी जो चीज हो रही है वो क्या हो रही है, दैट इज एंड ये कह सकते हैं अपन रिलीज ऑफ O2, दिस इज द सेकेंड इवेंट, ये O2 जो है वो कहां पे आ गई बेटा, जो अपन कहते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या बनती है, ऑक्सीजन, ये कहां पे आ गई, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, बचे कौन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड स्टेप जो होता है वो क्या होता है बेटा, रिडक्शन ऑफ ADP इंटू सॉरी NADP इंटू NADPH2, कैसे, ये जो NADP प्लस है इसको ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जो किसके फोटोलिसिस से पैदा हुए हैं, वाटर के, क्या होगा इसका रिडक्शन हो जाएगा NADPH+ यानी कि NADPH2 में आगे जाकर के, इज दिस क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट अगली जो घटना होगी वो क्या होगी, इसमें फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट एनर्जी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स निकले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन द लूमन ऑफ स्ट्रोमा लेमिली एंड ग्रेना लेमिली, एक एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तीसरे के पास जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में होता है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी, उस एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा क्या करने के लिए, ADP और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, और क्या बना ली जाएगी, ATP। तो ये एनर्जी जो आई है वो कहां से आई, उसका सोर्स क्या था, लाइट एनर्जी, तो ये क्या बनेगी फिर, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में ट्रैप कर लिया है, किसके रूप में, ATP के रूप में, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP इनटू द ATP क्या कहलाएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड इट विल हैपन इन द टू वेज, ये दो तरीके से होगा बेटा, वन इज कॉल्ड द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड द सेकेंड विल बी कॉल्ड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इज दिस क्लियर। और जब अपन इस साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस आपके सामने आ जाएगी, किसकी, लाइट रिएक्शन की, इज दिस क्लियर। तो मैं पहले ले रहा हूं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है,
और फिर अपन बात करेंगे किसकी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसमें केवल कौन पार्टिसिपेट करता है, ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी जो चीज अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या कि इसकी जो लोकेशन होगी होने की वो कहां होगी, इट विल हैपन या इट इज लोकेटेड कहां पे हो रही है प्रोसेस, ग्रेना, लेमिली एंड स्ट्रोमा लेमिली। आप पूछ सकते हैं क्यों, दोनों में क्यों, क्योंकि आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि फोटोसिस्टम फर्स्ट ग्रेना लेमिली और एज वेल एज स्ट्रोमा लेमिली दोनों में उपस्थित है, ठीक है ना, फोटोसिस्टम सेकंड केवल ग्रेना लेमिली में होता है, तो ये दोनों में है तो इसका मतलब ये प्रोसेस दोनों में होगी, ठीक है। थर्ड वन थिंग, फोटोसिस्टम फर्स्ट रिडक्टिव होता है, ठीक है, अर्थात यहां पे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि नो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, और वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एक चीज समझ करके चलिए, व्हाट ओ टू भी रिलीज नहीं होगी, ठीक है ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होगा किसका, वाटर का, और वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ओ टू भी क्या नहीं होगी, रिलीज नहीं होगी। द नेक्स्ट वन थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर वो क्या, देर इज नो रिडक्शन ऑफ एनएडीपी इंटू एनएडीपीएस टू, तो इसका मतलब फॉस्फोराइलेशन घटना है तो केवल और केवल इसमें क्या बनेंगी, एटीपी। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के एक स्टेप में, एक फेज में टू एटीपी बनते हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए यह प्रोसेस 6 times होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की साइकिल कितनी बार होनी चाहिए, 6 times। इन वन साइकिल ये कितना दे रहा है, 2 ATP, तो 6 cycle में ये कितनी एटीपी पैदा करेगा, 12 ATP, बिकॉज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मच या हाउ मनी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस और द साइकिल्स हैव टू बी हैपन, 6। वन साइकिल ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज गिविंग 2 ATP, सो 6 cycles विल गिव द 12 ATP, दैट्स मीन ये इसका प्रोडक्ट होगा किसका, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, इज दिस क्लियर। अब ये देखिए हो कैसे रहा है, इस प्रोसीजर को अपन समझते हैं, एक बार सिंपली आप जुड़े, ये देखिए बेटा ये कौन है, ये है क्लोरोफिल ए या रिएक्शन सेंटर जिसको आप क्या कह रहे हो, P700। ये कौन है बेटा, एंटीना मॉलिक्यूल्स या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स फोटोसिस्टम फर्स्ट में, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन थे, क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 695, क्लोरोफिल ए 700, और 700 है वो किसके रूप में है, रिएक्शन सेंटर के रूप में। 200 से 400 क्या है, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल, प्लस क्या है, कैरेटिनोइड्स। कहां है बेटा ये पीएस फर्स्ट, ग्रेना लेमिली की आउटर सरफेस के ऊपर, इज दिस क्लियर। अब देखिए इसके ऊपर क्या गिर रही थी, लाइट, क्या बताया था मैंने, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट के पास, और फाइनली इन पिगमेंट से इंडक्टिव रेजोनेंस के द्वारा वो एनर्जी किसको जा रही है, रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर कौन है, ऑलवेज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, वो कौन सी अवस्था में आएगा, याद कीजिए पहला स्टेप मैंने बताया था लाइट रिएक्शन का क्या था, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का एक्साइटेड अवस्था में आना और क्या रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब याद कीजिए मैंने फोटोसिस्टम फर्स्ट के साथ जो साइटोक्रोम मेंबर्स और प्रोटीन्स बताए थे वो कौन से बताए थे, तो देखिए सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्वांटासोम से निकले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के एक्साइटेड होने से, ये सबसे पहले जा रहे हैं बेटा किसके पास, FRS। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पीएस फर्स्ट से जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर
उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है? एफआरएस। एफआरएस पीएस फर्स्ट का भाग है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। जब अपन पीएस फर्स्ट की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, तो एफआरएस जो उसके अंदर 2Fe उपस्थित है, जो Fe प्लस तरीय अवस्था में है, और जो ये दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो Fe प्लस 2 अवस्था में आ जाएंगे। अब ये एफआरएस जो है, फेरस रिडक्टिव सिस्टम, ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसको बेटा? फेरोडॉक्सिन को, ठीक है। फेरोडॉक्सिन के पास जब ये दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अभी, और फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? साइटोक्रोम B559 के पास। इज दिस क्लियर? साइटोक्रोम B559 से ये जाते हैं किसके पास बेटा? प्लास्टोक्विनोन के पास, ठीक है। जिस समय प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये प्लास्टोक्विनोन क्या होगा? रिडक्ट होगा PQH2, ये रिडक्ट हो गया। और ये प्रोटॉन इसने कहां से लिए, कहां पे है ये प्रोसेस? ग्रेना लेमिली के अंदर। तो ग्रेना लेमिली की मेम्ब्रेन को पार करते हुए ये प्रोटॉन्स क्या होंगे? बाहर की ओर लूमन में आ जाएंगे। तो प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो रहा है यहां पे मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा, यानी कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, तो उस समय अपने को क्लियरली पता है कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो एनर्जी क्या करती है? दैट विल फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन द एडीपी एंड फॉस्फेट, और क्या बनाती है? एटीपी। प्लास्टोक्विनोन से ये किसके पास आएंगे इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम एफ के पास। साइटोक्रोम एफ से ये कहां आ जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास आ जाएंगे? रिएक्शन सेंटर। इसीलिए इसको अपन साइक्लिक कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वहां पे वापस आ गया, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान हुआ क्या? इस प्रोसेस के दौरान यह हुआ कि दो जगह ऐसी हैं जहां पे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि एडीपी और फॉस्फेट आपस में क्या कर रही हैं? जुड़ करके क्या बना रही हैं? एटीपी। इज दिस क्लियर? और मैंने यह कहा था कि यह साइकिल एक बार में कितनी एटीपी दे रही है? 2। तो यह 6 टाइम होगी, तो व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्ट? 1 टाइम 2 एटीपी, तो 6 टाइम्स हाउ मनी एटीपी? 12 एटीपी। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी बार हो रहा? 6 टाइम। और व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट? 12 एटीपी। साइक्लिक क्यों कह रहे हैं उसको अपन? क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास आ गया है, लेकिन ड्यूरिंग द मूवमेंट और ट्रांसफर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स व्हाट हैपन? देर आर 2 प्लेसेस, दो जगह ऐसी थी जहां पे प्रोटॉन्स का अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या हुआ? CF0CF1 पार्टिकल्स के थ्रू, मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं जिनको F0F1 पार्टिकल कह रहे हैं, उसके थ्रू ऐसे पार्टिकल हैं ये, उनके थ्रू बाहर की ओर क्या हुआ है? प्रोटॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। और जब जब ये प्रोटॉन्स का ट्रांसफर हुआ है उस समय क्या बनी है? एटीपी। व्हाट फाउंड? एटीपी। वन इज यहां पे बन रही है और सेकंड ये घटना जो है यहां पे हो रही है। तो ऐसी स्थिति में 2 एटीपी अपने को एक साइकिल से मिल रही है। ये सिस्टम जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ठीक है ना, इसको अपन क्लोज सिस्टम भी कहते हैं। क्लोज सिस्टम क्यों कह रहे हैं इसको अपन? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जहां से चले थे वहां पे वापस पहुंच रहे हैं। कंप्लीटली देखिए क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा जो है वो है बेटा नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है उसके अंदर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, और ये दोनों आपस में साइटोक्रोम मेंबर्स के द्वारा कनेक्टेड हैं, कैसे वो अभी अपन बात करेंगे, लेकिन दोनों का पार्टिसिपेशन होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल कौन भाग ले रहा था? पीएस फर्स्ट। इसके अंदर नॉन साइक्लिक में दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, साइक्लिक ओपन सिस्टम था, ये क्लोज सिस्टम था, जबकि नॉन साइक्लिक जो होगा वो कैसा होगा? ओपन सिस्टम। अर्थात ध्यान से सुनना, नॉन साइक्लिक को नॉन साइक्लिक या ओपन सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वापस नहीं पहुंचेंगे, तो इसलिए उसको अपन क्या करें? नॉन साइक्लिक। जहां से इलेक्ट्रॉन का मुक्तिकरण हुआ था वहां पे वापस इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, ठीक है।
तीसरी चीज, ये पीएस सेकेंड इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है जो किस नेचर का होता है, ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है। कौन? पीएस सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, और वो कैसा नेचर का होता है? ऑक्सीडेटिव। पीएस फर्स्ट के बारे में बता चुका हूं मैं कि रिडक्टिव नेचर का होता है, इसलिए इसमें क्या होगा बेटा, H2O का ऑक्सीडेशन होगा और वो रिक्वायर्ड भी है। और H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब क्या रिलीज होगी? O2। इसका मतलब क्या मुक्त होंगे? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे तो तीसरा स्टेप याद होगा ना लाइट रिएक्शन का, क्या होगा? NADP का रिडक्शन भी होगा इसमें, किसमें? NADPH2 में, ठीक है। चूंकि फॉस्फोराइलेशन घटना तो है ही है, तो ATP तो बनेगी इसमें, लेकिन इसके साथ साथ NADPH2 यानी कि सिंथेटिक एनर्जी भी बनेगी, NADP का रिडक्शन भी होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ये नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की। तो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन से ये कैसे डिफर कर जाएगा? उसमें केवल पीएस फर्स्ट पार्टिसिपेट कर रहा था, इसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों, उसमें इलेक्ट्रॉन जहां से चल रहे थे वहां पे वापस पहुंच रहे हैं, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वापस नहीं पहुंचेंगे, पीएस सेकंड से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड के पास नहीं पहुंचेंगे। ओपन सिस्टम है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस नहीं पहुंच रहे हैं। पीएस सेकंड चूंकि ऑक्सीडेटिव नेचर का, इसलिए इसमें H2O का फोटोलिसिस होगा या ऑक्सीडेशन होगा, और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से क्या होगा? O2 रिलीज होगी, प्लस प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे जो NADP का रिडक्शन करेंगे NADPH2 में, अर्थात इसके अंदर NADPH2 बन रही है जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में नहीं बनी थी। इसमें H2O का फोटोलिसिस हो रहा है, वो नहीं हुआ था किसमें? साइक्लिक में। इसमें O2 रिलीज हो रही है जो नहीं हुई थी किसके अंदर? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, ठीक है। अब ये हो कैसे रही है प्रोसेस उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, हिल और ब्रेंडल जो थे उन्होंने इसको जेड स्कीम के नाम से बताया था, यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैन बी आस्क्ड आल्सो टू यू जेड स्कीम। कैसे? जो भी अपन करेंगे तो अभी पता चलेगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था पीएस फर्स्ट से और खत्म भी किस पे हो गया था? पीएस फर्स्ट पे। इसमें दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। ये स्टार्ट किससे होगा? पीएस सेकंड से। कैसे? देखिए, ये ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली की जो सरफेस है उसके ऊपर क्या उपस्थित है? पीएस सेकंड। ये कौन सा बना रहा हूं मैं? पीएस सेकंड। ये कौन है बेटा? क्लोरोफिल ए। कौन? रिएक्शन सेंटर। कैसा रिएक्शन सेंटर? P680, यानी कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम पीक लाइट अब्जॉर्प्शन की किस वेवलेंथ पे आती है? 680 नैनोमीटर और लेस देन 680 नैनोमीटर पर। ये यहां पे कौन से पार्टिकल्स हैं? एंटीना मॉलिक्यूल्स या पिगमेंट्स हार्वेस्टिंग वाले। ये कौन आई बेटा? वो लाइट लीफ के ऊपर गिरी, लीफ से किसके अंदर गई? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट से कहां पे? ग्रेना और स्टोमा लैमेली के अंदर। वहां पे कौन उपस्थित है? ये पीएस सेकंड और उसके एंटीना मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के द्वारा एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहां पे क्या हो रहा है? इंडक्टिव एनर्जी ट्रांसफर। किसको? रिएक्शन सेंटर को। और इंडक्टिव एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल P680 कौन सी अवस्था में आया बेटा? एक्साइटेड अवस्था में। और एक्साइटेड अवस्था में आकर के इसने क्या रिलीज किए? इलेक्ट्रॉन। पीएस फर्स्ट में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से निकलने वाले या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पीएस फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने ग्रहण किया था? FRS ने। जबकि यहां पे कौन करेगा बेटा? फियोफाइटिन। याद रखना है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्लोरोफिल से मुक्त होने वाले या रिएक्शन सेंटर से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। व्हाट इज द फियोफाइटिन? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये डेरिवेटिव है किसका? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई थी जिसमें सेंट्रल लाइन कौन था? Mg+2। अगर क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में से इस सेंट्रल लाइन Mg+2 को रिप्लेस कर दिया जाए किसके द्वारा? 2H+ के द्वारा, यानी कि दो हाइड्रोजन के द्वारा, तो फिर वो क्या कहलाएगा? फियोफाइटिन। इज दिस क्लियर? अब देखिए, फियोफाइटिन जो है उससे वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब मूव करेंगे किसको? दोज आर मूविंग टू द प्लास्टोक्विनोन। इलेक्ट्रॉन्स किसको गए? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन से ये आएंगे बेटा किसके पास? साइटोक्रोम B561। पीएस फर्स्ट के अंदर जो साइटोक्रोम बी था वो कौन सा था? 559। यहां पे कौन सा है? साइटोक्रोम B561।
और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके पास, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के पास जब आ रहे हैं तो उसी समय आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन्स का मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगा, तो यहां पे क्या बनने वाली है, एटीपी। प्लास्टोक्विनोन से अब ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी साइटोक्रोम बी से ये किसके पास आए हैं, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम बी 5561 और बी 561 से इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं, साइटोक्रोम एफ, सॉरी प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम बी 561 और इससे फिर ये किसके पास आ रहे हैं, साइटोक्रोम एफ, ठीक है। और इस दौरान यहां पे किसका सिंथेसिस हो रहा है, एटीपी का, प्रोटॉन्स के मूवमेंट के कारण अक्रॉस द मेम्ब्रेन यहां पे क्या होगा, मूवमेंट होगा किसका, प्रोटॉन्स का। और उसका रीजन क्या है, अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कारण वाटर का फोटोलिसिस होने वाला है, यहां पे आगे दिखाएंगे, और वो क्या मुक्त करेगा, प्रोटॉन्स। अब जब ये साइटोक्रोम एफ से अब ये जाएंगे बेटा किसके पास, प्लास्टोसाइनिन, यानी कि साइटोक्रोम एफ इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द पीएस फर्स्ट सेकेंड एंड पीएस फर्स्ट। ये अब कौन किसका मेंबर आ गया है, पीएस फर्स्ट का। यहां से इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन कहां किसके पास जा रहे हैं, पीएस फर्स्ट के पास, यानी कि पीएस सेकेंड के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, पीएस फर्स्ट के पास। पीएस फर्स्ट के पास अपने इलेक्ट्रॉन भी हैं, जो वो किसको दे रहा है, एफ आर एस का, और दो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके आ गए हैं, पीएस सेकेंड के। एफ आर एस किसको दे देगा, फेरोडॉक्सिन को। एफ आर एस इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे रहा है, फेरोडॉक्सिन को। अब एफ आर एस ने फेरोडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट के, ये खुद वाले, ये खुद वाले, और ये पीएस सेकेंड के, इज दिस क्लियर। तो फेरोडॉक्सिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवाएगा आगे, अपने वालों का करवाएगा, जो साइक्लिक में अपन ने पढ़ा था, फेरोडॉक्सिन से किसके पास, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम या प्लास्टो क्यूनोन, और फिर ये साइटोक्रोम एफ, तो एफ दोनों को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, ठीक है ना। और फिर ये यूं आ जाएंगे, ये तो खुद वाले तो साइक्लिक में प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, ये किसके हैं, नॉन साइक्लिक के। तो फेरोडॉक्सिन ये क्या करेगा, इन प्रोटॉन्स को जो किसके हैं, पीएस सेकंड के हैं, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम को दे देगा, कौन से एंजाइम को, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम को, किसके इलेक्ट्रॉन, पीएस सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके आ रहे हैं। इस साइड में मैं जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं वो खुद किसके दिखा रहा हूं मैं, पीएस फर्स्ट के, यानी कौन सी प्रोसेस दिखा रहा हूं, ये तो मैं साइक्लिक, और ये कौन सी है बेटा, नॉन साइक्लिक। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन ये निकले हैं ये अब किसके पास है, फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन के पास अब दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन है, एक खुद के सिस्टम के पीएस फर्स्ट से जो निकले हैं वो, और एक वो जो पीएस सेकंड से आए हैं, ये अपने वालों का मूवमेंट करवाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो पीएस सेकंड वाले हैं वो किसको दे देगा, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम को। तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास है, एनएडीपी रिडक्टेज के पास, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन किसके, पीएस सेकंड के रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस नहीं पहुंचे हैं। इसके पास डेफिशिएंसी होगी या नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्या ये नेक्स्ट साइकिल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भाग ले सकता है, नहीं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी है। उसकी पूर्ति करने के लिए थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, तो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। वाटर किसकी प्रेजेंस में, मैंगनीज और क्लोरीन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, फोटोलाइज्ड होगा, Mn प्लस टू एंड क्लोरीन, ठीक है। क्या निकलेंगे यहां पे, इलेक्ट्रॉन्स प्लस, अरे बताइए, O2 जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, प्लस प्रोटॉन्स, ये वाटर टूटेगा तो ये निकलेंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स किसको चले गए, कंपेंसेशन कर दिया, क्षतिपूर्ति कर दी, किसकी, पीएस सेकंड के रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे और जो उसके पास वापस नहीं पहुंचे, इसीलिए तो इसको नॉन साइक्लिक कह रहे हैं, नहीं पहुंचे तो उसकी पूर्ति की है, और उस पूर्ति करने के लिए क्या हुआ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, जिसमें O2 भी निकली, प्लस क्या निकले, प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स भी
क्या होगा बेटा, दीज विल बी ट्रांसफर्ड टू द एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। अब एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम के पास क्या क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन प्लस कौन बेटा, प्रोटॉन्स। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम का काम क्या है, एनएडीपी को रिडक्ट करना, और एनएडीपी को रिडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इसको मिल गए या नहीं मिल गए, तो ये क्या करेगा बेटा, टू एनएडीपी विल बी रिडक्टेड। ये देखिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से वो उनको किसमें, टू एनएडीपीएस टू में रिडक्ट कर देगा। तो इस पूरी साइकिल के दौरान आप ये बताइए मेरे को क्या क्या बना, एक तो ये जगह जहां पर एटीपी बन रही है, एक साइकिल में एक तो एटीपी बनी और दो क्या बनी है, एनएडीपीएस टू। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए साइक्लिक सिक्स टाइम हो रहा था, तो ये भी कितने टाइम होगा, सिक्स टाइम, तो कितनी एटीपी, सिक्स एटीपी, कितने एनएडीपीएस टू, ट्वेल्व एनएडीपीएस टू। तो नॉन साइक्लिक का जो रिजल्ट है या प्रोडक्ट है वो क्या है, सिक्स एटीपी प्लस ट्वेल्व एनएडीपीएस टू, दोनों बने इसके अंदर। इज दिस क्लियर, बोलिए। इस स्कीम को जेड स्कीम क्यों कहा जा रहा, देखिए बेटा ये जेड जैसा लेटर बन रहा है क्या, यू मैं आप इसके ऊपर यू, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द जेड स्कीम ऑल्सो। जो इसकी अपीयरेंस आती है वो कैसी आ रही है, जेड लेटर की तरह, इसलिए इसको जेड स्कीम कहा, किसने, हिल और अर्नोल्ड ने, ठीक है ना। वैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन की पूरी प्रोसेस समझाई थी किसने, आर्नन ने। नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम कहा किसने, अर्नोल्ड और हिल ने, ठीक है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में या कंप्लीट लाइट रिएक्शन में आपको क्या मिला, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब आपने पढ़ा था तो उसमें सिक्स साइकिल्स में टोटल कितनी एटीपी बनी थी, ट्वेल्व है। नॉन साइक्लिक में कितनी बनी है, सिक्स एटीपी प्लस ट्वेल्व एनएडीपीएस टू, तो 18 तो टोटल क्या बन गई आपके पास, एटीपी प्लस ट्वेल्व क्या बन गई, एनएडीपीएच टू। ये आपका मटेरियल है, ये आपकी करेंसी है, ये आपका माल है जो लेकर के आप जाओगे कहां पे, स्ट्रोमा में, और उस स्ट्रोमा में इसको खर्च करके आप क्या बनाओगे, क्या खरीदोगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, क्योंकि स्ट्रोमा में कौन है, CO2। इज दिस क्लियर। जो कौन सी साइकिल होगी, डार्क रिएक्शन, ये क्या थी, लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में आपने क्या किया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, ट्रैप कर लिया है, और इस केमिकल एनर्जी का उपयोग करके आप डार्क रिएक्शन में CO2 से क्या बनाओगे, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको क्या खर्च करना पड़ेगा, ये 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएस2, कौन सी रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में। तो ये अपने पास पॉकेट में है, आज रखिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये खर्च करके अपन स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन के थ्रू क्या खरीदेंगे या क्या बनाएंगे, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। थैंक यू वेरी मच।